नमस्कार, इंडिया वॉच देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्तपंत। एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर है, रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, ये सूत्र बता रहे हैं। तो रामपुर और आजमगढ़ में कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नहीं लड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। बसपा भी रामपुर में नहीं उतारेगी कोई प्रत्याशी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन ये पीएसपी और कांग्रेस जो कि बताया जा रहा कि अपने प्रत्याशी रामपुर और आजमगढ़ में नहीं उतारेंगे, और अब ये देखना होगा कि जब ये पूरा उपचुनाव जो है इसमें किस तरह से बीजेपी को फायदा मिलता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये काम जरूर आसान हुआ है बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से, क्योंकि लगातार जब फाइट में बाकी जो दल हैं अगर वो नहीं होंगे तो मुकाबला जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसीलिए अब ये खबर है कि बीएसपी और कांग्रेस दरअसल अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, सूत्र बता रहे हैं। और इसीलिए अब 6 जून को नामांकन की जो आखिरी तारीख है, तो लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने रामपुर आजमगढ़ से प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और रामपुर से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। निरहुआ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, इस बार दोबारा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ये देखना होगा कि क्या सफलता इस बार मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। 6 जून को रामपुर आजमगढ़ में नामांकन की आखिरी तारीख है, तो घनश्याम लोधी को रामपुर से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। और इसके अलावा आजमगढ़ की बात करें तो निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार देखना होगा मुकाबला किस तरह से रहता है आजमगढ़ का। और ये 6 जून की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में नामांकन की आखिरी तारीख है। फिलहाल जो खबर हमारे पास आई वो ये कि बीएसपी और कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहां पर नहीं उतार रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है। इसीलिए क्या ये आसान हो जाता है रास्ता बीजेपी के लिए, ये भी एक सवाल है, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि जनता जनार्दन को ये सब तय करना है। पिछली बार मोदी लहर थी और निरहुआ उसमें हार गए थे, इस बार देखना होगा कि दोबारा से निरहुआ मैदान में है आजमगढ़ से, और इस बार क्या वो जीत पाते हैं। और खबर वाराणसी, जहां पर कांग्रेस नेता अजय राय का एक बयान सामने आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अन्न जल त्यागने पर उनका यह बयान आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बड़े संत हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उनका यह कहना है सरकार को सम्मानित संत के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। तो ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के पूजन पर यह बयान उन्होंने दिया, और जो आदेश आए उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, जो भी आदेश आए उसका सम्मान होना चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अजय राय का भी अब बयान सामने आया है। तो अन्न जल जो त्यागा है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने, उनको सम्मान मिलना चाहिए, और इसीलिए अब ये बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से भी आया है। अजय राय का ये कहना है कि सबका सम्मान होना चाहिए, प्रशासन को सम्मान करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले पर बयानबाजियां शुरू हुई है, उसके बाद कई नेताओं के इस पर बयान आने भी अब शुरू हो गए हैं। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के पूजन पर बयान दिया था स्वामी जी ने, और इसके बाद अब ये बयानबाजी, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए वाराणसी से जुड़े हैं। अभिषेक, ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बयान के बाद, कांग्रेस नेता अजय राय का भी इस पर बयान आया है, क्या कुछ उनका कहना है और प्रशासन का क्या रुख है इसके बाद? अब देखिए, अजय राय के बयान को गौर करना चाहिए और थोड़ा सा इतिहास जानना चाहिए दर्शकों को कि 2015 में जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जब प्रतिमा विसर्जन लेकर के आंदोलन किया था, तो उस दौर में अजय राय को 85 दिन तक
जेल में रहना पड़ा था, लेकिन इस बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस आंदोलन से तो इन्होंने दूरी बना रखी है, लेकिन उन्होंने बयान जारी किया है और आज वो आए थे स्वामी निश्चलानंद जी से मिलने के लिए जो कि पुरी के पीठाधीश्वर है। वहां मिलने के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इनसे पूछा तो इनका साफ तौर पे कहना था कि अदालत में चूंकि मामला चल रहा है तो अदालत के आदेश का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहीं पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया हुआ हो रहा है कि उन्हें नजरबंद किया जा रहा है तो ये एक गलत है, क्योंकि योगी जी खुद भी एक महंत है और खुद भी मठाधीश है तो उनको इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य है और बड़े ही मानिंद संत है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार न्यायोचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो संभल संभल कर बोलते हुए अपनी राजनीति भी कर गए, क्योंकि 2015 में भी हम लोगों ने इसी बनारस में देखा है कि अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर के जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आंदोलन किया था तो उस वक्त अजय राय बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में थे और 85 दिन तक ये सपा शासन में जेल में भी रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ी सी दूरी जरूर बनाई है लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके अपमान का मुद्दा भी छेड़ दिया है जी। लेकिन जहां तक अदालत के सम्मान की बात है अभिषेक, कानून सबके लिए एक है, सबको उसका पालन करना चाहिए और जो भी फैसला हो उसका सम्मान करना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी हो जाती कई बार इस तरह की बयानबाजी करना, और अब स्वामी जी के जो करीबी हैं, जो संत समाज है, उनका इस पर क्या सोचना है? देखिए, संत समाज की अगर बात करेंगे तो संत समाज की सिर्फ एक मांग है कि किसी तरीके से वहां पे जो आदि विश्वेश्वर का जो दावा किया जा रहा है, जो शिवलिंग मिला है, उसके पूजन का कार्यक्रम जो है शुरू किया जाए। लेकिन चूंकि वो जो शिवलिंग मिला है वो जिस स्थान पे है वो मस्जिद का हिस्सा है, मस्जिद के पहले फ्लोर पे है, वजूखाने में है, उसे अदालत के आदेश के बाद किसी के भी आवाजाही पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन पूजन का अधिकार यानी कि फिर कहीं ना कहीं मामला 1991 के जो धार्मिक स्थल के चरित्र बदलने की बात है वो बात हो जाएगी। और निश्चित तौर पे कोई भी जज ने अभी इस पर फैसला नहीं दिया है, 4 जुलाई को इस पर फैसला होना है, तो 4 जुलाई तक प्रशासन की मजबूरी है उस यथास्थिति को बरकरार रखना, इसके लिए ये जिद कर रहे थे और प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती। जब हम लोगों की पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी सख्ती बरती जाएगी और कहीं ना कहीं जो अगर ये विधिक कार्रवाई जो की बात जो लगातार कमिश्नरेट पुलिस कर रही है वो उसी का एक उदाहरण है कि आज उनको सुबह मठ से निकलने तक नहीं दिया गया। नहीं तो इसी 2015 में हम लोगों ने देखा है कि ये गोदलिया चौराहे तक गए थे, बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार वो मठ के बाहर भी नहीं जा पाए और विनोद स्वरूप वो अंतर पे जरूर बैठे हैं, लेकिन उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि मामला चूंकि अदालत में है तो प्रशासन की मांग करने से या जबरदस्ती करने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और इसीलिए अब वो एक याचिका देने की तैयारी में है। और खबर बता दूं कि कुछ देर के अंदर में हो सकता है कि उनकी तरफ से याचिका जो है वो अदालत में पेश कर दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक झा इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, राज्य उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। मांडर विधानसभा के उपचुनाव के लिए यह लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, गंगोत्री कुजूर जिसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और फिलहाल ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मांडर विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से ये लिस्ट जारी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें मांडर विधानसभा के उपचुनाव के लिए गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसीलिए अब ये जो लिस्ट है उसमें इस नाम का ऐलान भी हो चुका है उपचुनाव के लिए। राकेश हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोनलाइन पर जुड़े हैं। राकेश, उपचुनाव के लिए ये लिस्ट जारी हुई है, गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, क्या कुछ और ज्यादा अपडेट और क्या कुछ इस लिस्ट में और नाम है? देखिए, जिस तरीके से इस उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर बीजेपी किसे खड़ा करेगा, तो अब जाकर नाम सामने आ गया है, गंगोत्री कुजूर का नाम सामने आया है। 2014 में वे इसी सीट से जीत कर आई थी, हालांकि 2019 में उनको टिकट नहीं मिला था और देव कुमार धान को टिकट दिया गया था। तो अब जाकर सीधे कहा जा सकता है कि जो यूपीए और एनडीए के बीच टक्कर सीधी होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बंधुत्री की पुत्री को उतारा गया है और इसके बाद से अब जाकर बीजेपी की तरफ से गंगोत्री कुजूर का नाम सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं अभी इस उपचुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, इस चुनाव के बाद से पता चल पाएगा कि आखिर राज्य में क्या कुछ स्थिति है सत्ताधारी दल के और विपक्ष की। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए
बड़ी खबर है रांची से, और जिसमें नाम का ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है मांडर विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जो नाम फाइनल हुआ है। दरअसल गंगोत्री कुजूर जिनको उम्मीदवार बीजेपी ने अपना बनाया है। और आरजेडी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। आरजेडी की इस पहल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम लोग काम में विश्वास करने वाले लोग हैं, 2005 में जब से काम करने का मौका मिला है तब से काम देख लीजिए और पहले क्या था उसको देख लीजिए, किसी भी पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो नीतीश का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी आरजेडी, नीतीश के कार्यकाल पर ये रिपोर्ट कार्ड आरजेडी की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि सीएम नीतीश का भी इस पर बयान आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है ये सबके सामने। छोड़िए शुरू करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा जो मन करे, हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। और क्या काम हुआ है समझ लीजिए, मार्च से जब हम लोग को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना, पहले क्या था अब क्या है। इसलिए हमको इस सब चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है बोलते रहिए, हमको उसे कोई मतलब नहीं। तो नीतीश के कार्यकाल पर रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी आरजेडी, और इसी पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, किसी भी पार्टी को पूरा अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बेवजह मीडिया उनको पब्लिसिटी दे रही है और इसीलिए अब आरजेडी दरअसल ये पूरा कंपेयर करने की कोशिश करेगी कि अब तक क्या काम किया गया है और पहले दरअसल जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी उस वक्त कितने काम हुए, ये दरअसल एक कंपेयर किया जाएगा आरजेडी की तरफ से। और नीतीश कुमार ने कहा कि दरअसल सबको अपना अपना अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने कहा कि हम दरअसल काम पर भरोसा करते हैं और इसीलिए जो लोग ये रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कह रहे हैं उनको तुलना दरअसल कर लेनी चाहिए कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है। तो आरजेडी ने दरअसल रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने भी बयान दे दिया। और कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आरोपी हयात जफर हाशमी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी हयात जफर हाशमी से पूछताछ जारी है, मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है यह आरोपी हयात। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी जो हयात है मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। कानपुर में जिस तरह से आपने देखा होगा पत्थरबाजी हुई थी कल, कई लोग उसमें घायल हुए थे और उसी के बाद पुलिस ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की है और अब जो मुख्य साजिशकर्ता है जिस पर यह आरोप लगा है उसको हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त आ रही है, जो हिंसा हुई उस पर हयात जफर हाशमी जिसको हिरासत में लिया है पुलिस ने और पूछताछ उससे की जा रही है। तो मुख्य साजिशकर्ता ये हयात माना जा रहा है कानपुर की उस हिंसा में, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और हिंसा के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी दरअसल दो गुट थे और आपस में पत्थरबाजी हुई, उसके बाद कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। मोहम्मद असलम हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के लिए फोनलाइन पर जुड़े हैं। मोहम्मद असलम, ये मुख्य आरोपी हयात ही बताया जा रहा है जिस पर आरोप लगा है पूरी साजिश का, और अभी तक क्या कुछ पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं? मोहम्मद असलम शायद संपर्क नहीं हो पा रहा दोबारा, मोहम्मद असलम आपको आवाज मिल पा रही है? ये सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी जिसको हिरासत में लिया गया है, क्या यही मुख्य आरोपी है कानपुर में जो हिंसा हुई, और अभी तक पूछताछ में क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं?
जी बिल्कुल, बीते दिन जो दंगा हुआ था बैगनगंज थाना अंतर्गत, तो उसमें जो मेन आरोपी बताया जा रहा है वो हया जफर आसमी है। इसने ही सोशल मीडिया के जरिए जो नुपुर शर्मा वाला जो बयान था उसके विरोध में दुकान को बंद करने का जो आह्वान किया था। इसके बाद इसका मामले के 22 घंटे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये बयान देते हुए दिख रहा है कि जितने भी लोगों को, क्योंकि कल जो है वीआईपी मूवमेंट है यहाँ पर कानपुर में, इसलिए जो कल जो चीजें दुकान बंद करनी थी वो 5 तारीख को बढ़ाकर 5 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। लेकिन हालांकि ये पूरे मामला जो है इसमें लोगों को जानकारी नहीं हुई और वहां पर जो पोस्टर चस्पे थे 3 जून के, उसी को लेकर वहां पर जुमे की नमाज है उसके बाद जो लोग निकले हैं और जमकर वहां पर जो है बवाल हुआ है, पथराव हुआ है। हालांकि अभी जो सूचना आ रही है ये कि जो हयात जफर हाशमी है उसको लखनऊ के एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि अभी इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी अभी जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है और अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले में 36 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि एफआईआर भी आ गई है और लगातार गिरफ्तारी जारी भी है। अभी 40 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज है जिसमें की 36 गिरफ्तारी हो चुकी है और 1000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है जिनकी जो शिनाख्त है वो वीडियो से की जा रही है और लगातार जो वीडियो है जो उस वक्त बनाए गए हैं घटना के वक्त और जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी जा रहा है। कौन से जो गुम्मा चला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे या बम फेंक रहे थे, तो अभी जो लगातार जो कार्रवाई का प्रोसेस वो है और आगे भी जो गिरफ्तारियां हैं वो होती रहेंगी जो, क्योंकि वहां पर जो पुलिस है उस एरिया में पूरी तरीके से एक तरीके कह सकते हैं कि छावनी बना दिया है और वहां पर किसी भी तरह की गतिविधि पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद असलम इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर महोबा से जहां पर विधायक ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधायक राकेश गोस्वामी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए विधायक। महिला जिला अस्पताल में पेयजल समस्या निस्तारण के लिए निर्देश दिए। बाहर की दवाएं ना लिखने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि अक्सर मरीजों को अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से दवाएं लाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसमें साफ निर्देश है कि बाहर से दवाएं ना लिखें। महिला अस्पताल के बाहर से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए हैं। विधायक ने एसडीएम को अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाश के पैरों में गोली लगी है जबकि मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। जानकारी मिली है कि दोनों बदमाश गौकशी की घटनाओं में वांछित थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूटी मोटरसाइकिल के साथ तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दिल्ली से कुछ मुकदमा दिया गया है, अभी हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही अभी उन्होंने पूछताछ में ये भी एडमिट किया है कि जो मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग जा रहे थे जो मौके पर मिली है वो एक संबल एचौड़ा क्षेत्र में उन्होंने कोई लूट की थी। एचएफ से जो डीलक्स गाड़ी है वो लूटी वहाँ से उन्होंने, इसके अलावा मैंड मेरठ क्षेत्र से एक और गाड़ी है जो उन्होंने वहाँ से चोरी की है। सर मुठभेड़ में कोई सिपाही भी घायल हुआ है पुलिस की तरफ से? सिपाही हमारा गिरने से थोड़ा इंजर्ड हुआ है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने ज्ञानवापी मुद्दे पर विवादित बयान देते हुए कहा कि शिवलिंग पत्थर का टुकड़ा होता है, नदियों से बहकर आए पत्थरों को हमारे लोग पिंडी बनाकर पूजने लगते हैं जो शिवलिंग की बात करते हैं, क्या उन्हें शिवलिंग की पहचान है? वाराणसी में जहां मुस्लिम जो समाज है वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद है, और जहां हिंदू पूजा करते हैं वो विश्वनाथ मंदिर है। बीजेपी के लोग, उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा बना रहे हैं। वहीं लाल बिहारी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की बात कही। जहां मुस्लिम धर्म के लोग जो है नमाज अदा करते हैं वो मस्जिद है, और उसी के सटे बगल में जो है जहां हिंदू लोग जो है बाबा विश्वनाथ जी को मानते हैं वो मंदिर है। देखिए शिवलिंग एक पत्थर का टुकड़ा है
जैसे पत्थर का टुकड़ा चलता है उत्तराखंड से, तो वह नदियों में बहते 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 वह चिकना हो जाता है, वह कभी छोटा हो जाता है और चिकना हो जाता है। तो हमारे लोग उसी को पिंडी बना करके, उसी को विभिन्न प्रकार के देवताओं का नाम दे करके उसकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। जो मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया है और जिस पर न्यायालय कार्रवाई कर रहा है लगातार, मामला सब जुडिस होने के नाते कोई टिप्पणी देना उनका उचित नहीं था। पर जिस तरह से उन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई, हमारी पूजा पद्धति को ठेस पहुंचाई, हमारे जो भगवान है उनको एक पत्थर का टुकड़ा बहकर आता है, और जिस तरह से उन्होंने अपना वर्डिक्ट ज्ञानवापी पे जारी कर दिया कि वो मस्जिद है क्योंकि वहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं, मुझे लगता है सरासर गलत है। पूरे हिंदू समाज का, हिंदू जनमानस का उन्होंने अपमान किया है। और खबर बुलंदशहर से, दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट, पिस्टल के बल पर व्यापारी से सोने की चैन लूटी गई है पिस्टल के बल पर। तस्वीरें देखिए आप, सीसीटीवी के सामने आई हैं। व्यापारी से 11 सोने की चैन लूटकर लुटेरे फरार हुए हैं। घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है और उसके बावजूद भी देखिए चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। ये पूरी जो घटना है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक चोर बड़े ही शातिराना अंदाज से चोरी कर लेता है 11 सोने की चैन। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली के पदम सिंह गेट का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें आप देखिए किस तरह से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और उसी दौरान आप ये देखिए एक शख्स आता है और सोने की चैन जिसमें रखी होती है डब्बे में, और वो किस तरह से वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। व्यापारी जब तक कुछ समझ पाता तब तक वहाँ से वो रफू चक्कर हो चुका था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है मामले की। और नवादा जिले के नरहर थाना क्षेत्र के बंडाचक गांव में बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि पुलिस अभियुक्त को पकड़ने गई थी, तभी बदमाशों की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी मिली है कि नरहट पुलिस बंडाचक निवासी महेंद्र यादव के पुत्र चंदन यादव सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान अभियुक्त के परिजनों के द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिससे थाना अध्यक्ष सरफराज ईमान, एसआई संजय कुमार वर्मा, सैप जवान राजेश कुमार, कामाख्या नारायण सिंह और अभिषेक कुमार को हल्की चोट आई। और बुलेटिन में इतना ही, डेवोस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।